पुलिस को रंगरूपों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं कैसे कैसे कराने के लिए। तो मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं कैसे कैसे कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव, तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ, ये देखिए वो जवाब भी दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कभी पौआ तो कभी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई? राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं वो बस केले खाते हैं, जी उनके दांत नहीं वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है? और खरीदारी के लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लाए कि कहां छोड़ा? आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लाए कि कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे खड़ा हो। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, पहली बात तो कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, व्यापार होकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से, पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है सीताराम, वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो, जवाब पे आ गए, कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो देते जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन जवाब देकर मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ। तो
इतना यहाँ आता, ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधेश। देखो दुनिया में 5 ही शेफ प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते हैं तो नारियल के पेड़ के नीचे भी नहीं बैठता था। तीसरा है फिर वो स्टीव जॉब्स वाला है, फिर लोकप्रिय हुआ। चौथा से पिछले दिनों आसाराम और नारायण साई ने लोकप्रिय किया, और पांचवा से है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती बीमारी होती है। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।